प्रोबेबिलिटी दिखाई जा रही है, विन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो नाइट राइडर्स की। तो हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पीकर बाबा में। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक रेडियो फिलिप्स का, जो कि काफ़ी पुराने मॉडल पे आता है ये, और मॉडल नेम है इसका प्लीटा DL38368। ठीक है जी, ड्यूलक्स 3 बैंड का पोर्टेबल रेडियो है ये, और इसे आप 230 वोल्ट पे अपना आमतौर जो बिजली आती है वो तार लगा के इससे भी चला सकते हैं, और अपना नॉर्मली सेल से भी चला सकते हैं, बिजली से भी चला सकते हैं, क्योंकि और इनकी डिमांड भी बहुत रहती है। तो आपके लिए ये लिया है, ठीक है जी, और प्लीटा है इसका नाम, और ये देख लीजिए, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है जी, यहीं से ऑफ हो जाएगा, यहीं से ऑन, और ये ट्यूनिंग, ठीक है जी, काफ़ी अच्छा चल रहा है, और शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2, और ये आपका मीडियम वेव। तो देख लीजिए, 3 बैंड के रेडियो के साथ आता है और काफ़ी अच्छा है, और स्पीकर देख लीजिए, बड़ा स्पीकर लगा पड़ा है, और गाइस इसकी आवाज़ जो है काफ़ी बढ़िया है, और आवाज़ पे दम भी है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है जी। पीछे से देख लीजिए, पीछे से ये ऐसे आते थे पहले, और मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, और शॉर्ट वेव हम उनका बैंड सिलेक्टर, ठीक है जी, और इस पर आप सेल भी लगा सकते हैं। तो एक बार सेल ट्रे खोल के दिखाते हैं, और ये देख लीजिए 230 वोल्ट, ठीक है जी, ये तार लगा के भी आप चला सकते हैं, ठीक है जी। इसे खोलता हूँ एक बार ही, तो आपको दिखाता हूँ, ये थोड़े ऐसे खुलेंगे, हाँ ये खुल गया। तो जी अंदर से देख लीजिए, ये सेल लगा के भी आप चला सकते हैं, ठीक है जी, ये सेल ट्रे बंद करते हैं और आपको आज दिखाते हैं। और गए तो हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ, इसमें 4 मोटे वाले सेल लगेंगे, ठीक है जी, ऊपर 2, ठीक है जी, और 2 नीचे, बाकी चला के देखे थे ये भी फुली वर्किंग है, ठीक है जी। और एक बार यार इसे लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी, ठीक है जी, ये देख लीजिए पीछे से लुक, और ये सामने से लुक, तो काफ़ी अच्छा लुक है और प्यारा लुक है इसका, ठीक है। तो अब आपको इसका ये आपको चारों तरफ कैसे दिखा दिए, ट्यूनिंग है, ये वॉल्यूम है, इस साइड भी ऐसे सिंपल है, और ये ऐसे ही आते थे पहले, सिंपल थे, और काफ़ी जैसे कि आप रखोगे तो कहीं तो लगता है कि कोई रेडियो रख रखा है। तो अब आपके लिए करते हैं इसका सेटअप, और ये आपको चला के दिखाते हैं, ठीक है जी, तो करते हैं फिर आपको इसका साउंड प्ले करके दिखाते हैं। तो गए ये देख लीजिए, आपके लिए इसका सेटअप कर लिया है, और अभी आपको चला के दिखाते हैं। तो यहीं से ऑन करेंगे, नीचे से ही ट्यूनिंग करते हैं हल्की सी। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, और ऐसे में गुजरात टाइटंस की तरफ से 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 204। तो देख रहे हो गाइस कितनी क्वालिटी आती थी भले ही रखा है गुजरात टाइटंस ने, और इसमें जो प्रोबेबिलिटी दिखाई जा रही है, विन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो नाइट राइडर्स की 21% दिखाई जा रही है, वहीं टाइटंस का पलड़म भारी नजर आ रहा है। वहीं स्कोर कार्ड पर नज़र डालें तो डब्लू शाह ने 17 बॉलों पर 17 रन मात्र बनाए हैं, और लेकिन इनका स्कोर काफ़ी अच्छा था, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, 3 चौके भी लगाए हैं। वहीं शुभम गिल की बात करें तो 31 रन इन्होंने बनाए हैं, 5। तो जी आपको मीडिया वेव सुना दी है, और ऐसी इसकी साउंड है कि आप जैसे आप कहीं रख दें तो सुनते रहोगे, आपको ये नहीं होगा कि ये रेडियो शोर का बजा रहा है ज़्यादा, तो ऐसा रेडियो है ये, और मीडियम वेव चल रहा है, आवाज़ मीठी मीठी है और अच्छी आवाज़ है इसकी। पहले यही खासियत थी कि जो बनते थे सेट, आपका आवाज़ जो होती थी क्वालिटी की होती थी, वो ये नहीं कि शोर मचा रहे हैं, ज़्यादा तेज करने पर आवाज़ फट रही, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बाकी फ़िलिप्स ब्रांड है तो काफ़ी अच्छे ब्रांड भी होते हैं ये, और पहले के मुताबिक जो बना रखे है उसकी कोई टक्कर नहीं है। तो जी शॉर्ट वेव का स्टेशन ढूंढते हैं,
तो गए देख लीजिए शॉर्ट वेव वन में पीछे से सिलेक्ट की है अभी से। The family fun ride features a 5-kilometer course that riders have to complete within 1 hour. The road race covers 95.5 kilometers in total. And that's the news. I'm Do Hong Yu. China Africa Talk. Jambo, ni Bridget akikuletea kipindi kinachohusiana na China na Africa. Vous écoutez le dialogue sino-africain avec Bridget. Everything China, everything Africa. Olá, você está ouvindo China Africa Talk com Bridget. Sayyidati wa sadati, marhaba. तो जी यही सब स्टेशन आ रहे हैं, शॉर्ट वेव वन वे भी आपको चला के दिखा दिया, ठीक है जी। तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट चल रहा है, और शॉर्ट वेव टू के मेरे ख्याल शाम को ही आएगा यहाँ सिग्नल, तो ज़्यादा सिग्नल आते नहीं है इधर, तो एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं। शॉर्ट वेव टू में भी एक कोई आ नहीं रहा वैसे। ठीक है जी, अगर कोई लेगा तो मैं उसे शाम को एक बार चला के दिखा दूंगा शॉर्ट वेव आपका, शॉर्ट वेव टू का। बाकी तीनों माइंड ओके है। तो गाइस मैंने आपको इस पर शॉर्ट वेव वन चला के दिखा दिया और मीडियम वेव चला के दिखा दिया, ठीक है जी। और शॉर्ट वेव टू भी मैंने आपको चला के दिखा दिया, उस पर थोड़ा वो आ रहा है घूसा, तो वो अगर कोई लेगा तो आप शाम को मैं आपको ये चला के दिखा दूंगा शॉर्ट वेव टू। आपको पता ही होगा क्योंकि दिल्ली में बहुत कम सिग्नल आते हैं शॉर्ट वेव टू के, और बाकी शॉर्ट वेव पे थोड़ा इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टावर लगे पड़े हैं दिल्ली में, तो अगर वैसे शाम को थोड़ा बहुत सिग्नल पकड़ लेता है, ठीक है जी। तो अगर कोई लेगा तो शॉर्ट वेव टू मैं आपको शाम के टाइम पर चला के दिखा दूँगा, ठीक है जी। और बाकी भी ओके रिपोर्ट है, फुली वर्किंग सेट किसी को ये चाहिए फ्लिप्स का प्लेटा और DL 368, तो हमसे परचेज कर सकते हैं। और गाइस हम आपको इसका प्राइस बता दें, तो प्राइस इसका है 1500 रुपीज़, ठीक है जी। 1500 रुपये में आपको रेडियो मिल जाएगा, 3 मिनट का रेडियो, शॉर्ट वेव वन, शॉर्ट वेव टू और मीडियम वेव, ठीक है जी। आप कॉन्टैक्ट का नंबर गाइस हम आपको बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 9310741161, जिसमें कॉल करके या मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। और ऐसे गाइस इंटरेस्टिंग वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल स्पीकर बाबा में आपके लिए लाते रहते हैं, तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्पीकर बाबा को सब्सक्राइब करें। और अब गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।